सो यो गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल, सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नॉर्थ साइड बैटल्स में। तो गाइस जैसे कि आपको याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में हमने वेपन सेल करने के बाद अपनी बुलेट को लाए थे पीडीएम से, और अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी जाओ चेकआउट करो गाइस, आई बटन भी आ रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस यार यहाँ पे ये बंदे क्या कर रहे हैं एक्चुअली गाइस, यार ये जो बंदा आपको नीचे देख रहे इसको मैंने पेला था अच्छा, और आके मेरे को धक्का दिया और गाइस इसने पंच मार दिया मेरे फेस पे। और तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ गाइस सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी नई वीडियो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए गाइस आज की वीडियो करते हैं शुरू। सो गाइस आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग जाने वाले हैं मेरे एक पुराने दोस्त के पास। तो वो जो मेरा दोस्त है गाइस वो है पंजाबी दोस्त, और आज उसने मेरे को फ़ोन आया था मेरे को उसको और कहता है कि कुछ काम है तो आ सकता है, तो मैंने कहा हाँ जरूर आऊँगा मैं। तो जल्दी चलते गाइस वहाँ पे, सबसे पहले यार अपने कपड़े बदल लेते हैं। और यहाँ पे रोन, और रोन क्या हाल चाल? फिर यार रोन भी अपने यहाँ पे काम करते रहता है। तो अपने पास कुछ अच्छे कपड़े हैं नहीं यार, कपड़े सोचता हूँ गाइस ले ही लेते हैं यार, कब तक यार यही पुराने कपड़े डालते रहेंगे। तो गाइस रास्ते में कपड़े भी ले लेंगे जाते जाते। यहाँ पर रही अपनी गाड़ी, और ये जो गाइस छोटी सी बाइक है, आप भी सोच रहे हैं किसकी बाइक है गाइस, ये है रोन की बाइक। और यहाँ पर थोड़ा बहुत कबाड़ है भाई, ये सारा साफ भी करना होगा तब भी गाइस थोड़ा अपना घर लगेगा यार, इसको बदल ही लेंगे यार, कितना साफ करते हैं घर ही बदल लेंगे। और वहाँ पर रही अपनी प्यारी बुलेट, और यहाँ पे एक बंदे कमेंट आया था कि इसकी जो डिक्की है वो निकलवा दो, तो मैंने वो निकलवा दी। तो अनलॉक करते हैं गाड़ी को और बैठते हैं इसके अंदर। आए हाय स्टार्ट हो गई अपनी बुलेट। और गाइस एक और चीज़ देखो भाई, लाइट, मतलब इसके इंडिकेटर भी ऑन हो जाते हैं भाई, अभी तो जैसे लाइट ऑन करोगे तो इंडिकेटर भी ऑन होंगे साथ में, ये बहुत सही चीज़ है यार। लेकिन इसे पीछे वाले होते हैं, ये पता नहीं क्या इसमें कोई डिफेक्ट है मेरे ख्याल से। ओके तो गाइस सबसे पहले यार रास्ते में कपड़े ले लेते हैं। तो कपड़े यहाँ पे भी एक शॉप यहाँ पे, ओके यहाँ पे सुबह सुबह भाई ट्रेन भी जा रही है इधर से, बहुत सही। मतलब यार ये जो अपना सैंडी शोर है गाइस जहाँ पे ट्रैवल रहता है फिलहाल, ये जगह भाई बहुत प्यारी है, मतलब एकदम शांति यहाँ पे। और जो अपना वो है सिटी यार उसमें तो बहुत शोर शराब है। ओ भाई बच गए किसने से अभी। सो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे अपनी बाइक को लेके पहुँच चुका हूँ, मैंने वे पॉइंट गलत लगा दिया था, अभी मेरे को याद है यहीं कहीं पे है वो स्टोर। ओके यही लग रहा है मेरे को, यस गाइस डिस्काउंट स्टोर यही है वो स्टोर, नहीं नहीं ये नहीं है, कपड़े की दुकान आगे थी यार, कपड़े की दुकान इधर भी नहीं है, नहीं यार यही है गाइस यही है। अपनी बाइक को यहीं पे पार्क कर देता हूँ मैं, यही है मेरे को तो याद है, भूल गया था यार अंदर कपड़े देखे नहीं, मैं सोचा नॉर्मल स्टोर है ये। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और मैडम क्या हाल चाल? तो यहाँ पे ये तो भाई लड़कियों के कपड़े हैं, ये कौन पे? ओ अच्छी अच्छी यार ड्राइवर भाई इतना गंदा इंसान ये कपड़े भी डाल लेता है। ओ भाई क्या तगड़ा सूट है यार। तो यहाँ पे हमें ये डालते हैं भाई, ब्लैक सिंपल से कपड़े डालते हैं ये, चलो फिलहाल के लिए नॉर्मल से सही है। चलो ठीक है मैडम, ध्यान रखना अपना, चलते हैं अभी यहाँ से। ओके सो गाइस मैं कह रहा था कि लास्ट टाइम यार हमने एक गलती कर दी थी। तो गाइस गलती ये की थी, मैंने आपको बताया था कि बुलेट हमने इंपोर्ट कराई है इंडिया से, लेकिन उसका प्राइस मैंने गलत बता दिया था गाइस। उसका प्राइस था, अब हेलमेट उतार, गाइस उसका प्राइस था $3,000, जो कि गाइस मैंने गलती से $30,000 बोल दिए थे, तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना यार, सिर्फ 10 ज़्यादा लगी। तो अभी वो यहाँ पे रह रहा है इस साइड, इस माउंटेन के पास रह रहा है, तो इसके पास चलते हैं और गाइस देखते हैं क्या काम आ गया इसको मेरे पुराने दोस्त को। सो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और मेरे को लगता है कि यही वाला घर होगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई खड़ा है तो ओके, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो मैं इससे ज़रा पूछता हूँ कि यही है। और गाइस ये कि यहाँ पे काम करवा रहे यार बंदा भाई बहुत खतरनाक है। सो गाइस यहाँ पे मेरी से बात हो चुकी है गाइस, इसने कहा कि यहाँ यही घर है वो, ऊपर जाओ। और मेरे ख्याल से उसने तो इनको बता ही दिया था कि मैं आने वाला हूँ, तो अभी मेरे ख्याल से ये लोग मेरा वेट ही कर रहे थे। वैसे यार रास्ता थोड़ा तंग है, मतलब गाइस बड़ी गाड़ी लेके जानी जैसे ट्रक वगैरह, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से आएगा ट्रक। ओके तो यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी है, वैसे अपने को डरने की बात नहीं है, हम उसके दोस्त हैं यार। ओके यहाँ पे भी कितना ऊपर जाए, घर बनाया भाई बंदे ने, पूरे टॉप पे बनाया घर माउंटेन के। ओके तो यहाँ पे तो गाइस मैं आ ही चुका हूँ, तो वैसे वो होगा कि यार बंदा, तो सबसे पहले यार अपनी गाड़ी को मैं यहीं पे पार्क कर देता हूँ, उससे पूछता हूँ यार कि वो कहाँ पे है। सो गाइस इसने कहा कि मेरे को फॉलो करो, मैं लेके जाता हूँ तुम्हें उसके पास। ओके गाइस तो अभी इसको फॉलो करते हैं। वैसे यार बंदे ने घर बहुत प्यारा बनाया यार इधर, और मतलब माउंटेन के बिल्कुल टॉप पर कोई अटैक करने, ओ भाई सामने इसने यार फेंसिंग लगाई, रेलिंग सॉरी, बंदा भाई नीचे गिर जाए इधर से। यहाँ पे ये ओ भाई कितना सारा पैसा फेंक रखा है बंदे ने नीचे। एंड ओके गाइस वो रहा मेरा पुराना दोस्त।
सो गाइज यार, मेरी यहाँ पे इससे बात हो चुकी है और गाइज इसने मतलब एक टास्क दिया हमें और गाइज इसने पूछा कि मैं उसको कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा हाँ भाई कर लूँगा यार, तो अपना पुराना दोस्त है, कोई काम बता यार। तो इसने गाइज मेरे को एक काम बताया, तो गाइज काम थोड़ा टफ है। इसने कहा कि बहुत टफ काम होने वाला है, लेकिन अगर कसरत तभी करना, वरना कोई मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं करूँगा। तो इसने कहा कि यहाँ पे आज एक कॉन्सर्ट होने वाला है, एक सिंगर आने वाला है कनाडा से। तो गाइज़ वो यहाँ पे थोड़े बहुत गाने वगैरह गाएगा, तो आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ कहाँ की बताई इसने। सो गाइज़ यार यहाँ पे वो बंदा आज कॉन्सर्ट करने आ रहा है अपना, और गाइज़ उसके पास एक गाड़ी होगी, बेंटली गाड़ी होगी उसके पास। तो गाइज़ वो स्पोर्ट्स मॉडल है बेंटली का, तो इसने कहा कि वो उसको चाहिए, क्योंकि गाइज़ इसकी यार एक डीलरशिप भी है। तो इसका गाइज़ एक बंदा मांग रहा है वो गाड़ी। सो गाइज़ उस गाड़ी का टोटल जो कीमत है गाइज़ वो है $10 मिलियन। मतलब गाइज़ वो बहुत रेयर गाड़ी है और सिर्फ वो उसी बंदे के पास है। लॉस सैंटोस में यहाँ पे कहीं भी किसी के पास नहीं है वो गाड़ी। और गाइज यार मैंने बोला कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन मेरे को मेरा फ़ायदा बताओ। तो गाइज इसने कहा कि गाड़ी को बेच के पैसे कमाएगा, उसका 10% हमें आने वाला है। तो मैंने कहा हाँ भाई जरूर करूँगा काम मैं। तो गाइज इसने कहा कि नीचे जाओ, मतलब यहाँ से राइट लेके नीचे जाओ, मेरा एक गैरेज है। तो गाइज गैरेज में जाके कहा बहुत सारे गाड़ी है, तो अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ी कर दो और वहाँ से कोई गाड़ी लेके चले जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं वही ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे अभी नीचे जाना है गाइस हर जगह। ओ भाई गाइस बंदे के पास भाई नेक्स्ट लेवल गाड़ी है और इतना सारा पैसा है यार, कसम से गाड़ियाँ चुरा लेते हैं भाई इसकी कोई भी यहाँ से। तो सबसे पहले गाइस अपनी गाड़ी को है गाइस, इसके पास तो बुलेट भी है यार वो भाई भाई। एंड यहाँ पे थार रखी है भाई बंदे ने दो। तो यार गाइस थार जाने का बहुत मन कर रहा है, मैं इसको कह के गाइस एक ले ही लूँगा यार, इतनी सारी गाड़ी इसके पास क्या ही करेगा गाड़ियों का। ओके यहाँ पे वैगनार है, देसी से गाड़ी भी रखी है भाई बंदे ने। ओके यहाँ पे गाइस सुपर कार्स हैं, और गाइस यार यहाँ पे है फॉर्च्यूनर, नेक्सॉन, एंड ये कौन सीक्रेट है। हो भाई मतलब बंदा भाई अपना पंजाब को नहीं भूला। अपनी बुलेट ज़्यादा मस्त लग रही है गाइस, इसकी बुलेट से सस्ती है इसकी बुलेट। ओके मैं इसको लॉक करता हूँ ताकि कोई चुरा ना पाए, वैसे कौन चुराएगा गाड़ी गाइस यहाँ से। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ कोई गाइस, इन गाड़ी को छोड़ यार सुपर कार लेके जाते हैं कोई। ये गाइस कौन सी गाड़ी है, इसमें ज़रा बैठ के देखता हूँ एक बार। ओके गाइस स्पोर्ट्स कार है ये। हाँ हाँ गाइस क्या आवाज़ है गाड़ी की यार। एक सामने यार, सामने कौन सी गाड़ी है, वो सामने वाले चेक करते हैं सबसे पहले। ओके गाइस ये भी स्पोर्ट्स कार है। हाय हाय गाइस ये ज़्यादा मस्त लग रही है मेरे को उससे, तो इसकी आवाज़ बहुत तगड़ी है यार। तो गाइस हम ये गाड़ी लेके जाने वाले हैं, और इसने कहा गाइस कि अगर गाड़ी उधर रह भी जाए तो कोई सीन नहीं है, इसका बॉडीगार्ड जाके ले आएगा। एंड गाइस यार गाड़ी तो बहुत तगड़ी यार, मेरे को पसंद भी आ गई ये गाड़ी तो। ओके तो यहाँ से गाइस निकलते हैं बाहर की तरफ। ओके ये रहा रास्ता, सीट बेल्ट लगाना भूल गए भाई, सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है ऐसी गाड़ियों में। और ये बंदा ये अभी भी काम करवा रहा है भाई, ट्रक लेके आगे सीमेंट वगैरह का। यहाँ पे सीमेंट डलवाएंगे क्या लोग ये लोग। ओके गाइस ऐसी जगह को पक्का कर रहे हैं यार, ताकि बारिश से ये कहीं गिरने जाए, मौसम भी ख़राब हो रहा है। ओके तो गाइस उस गाड़ी को लाने से पहले मैं इस गाड़ी को बहुत भगाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वे पॉइंट की जगह की तरह वो। ओके यहाँ पे जाना है गाइस हमें, तो यहाँ का मैं वे पॉइंट लगा लेता हूँ इधर का। नाइस है, अभी देखो गाइस कितना मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाने का। ओ भाई ज़्यादा घूम गई गाइस, ये अपने बस की नहीं है गाड़ी, सच्ची बता रहा हूँ मैं। ओके ओ भाई ये बंदा ही किधर आके मुड़ा। एंड इस गाड़ी को ऐसे थोड़ा मोड़ना टफ है, लेकिन गाइस इसके कंट्रोलिंग थोड़ी मुश्किल है, गाइस अपने को तेरे बुलेट चलाने की आदत पड़ी हुई है और वो अपना पुराना ट्रक। तो गाइस यार ये गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल है अपने लिए, लेकिन गाइस कोई बात नहीं, आगे से लेफ्ट कट। ओके तो गाइस यार ये अपने शिमला वाले रोड रोड आ गए यहाँ पे, बहुत सही। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। ओह शिट गाइस इसकी गाड़ी का मैंने कबाड़े कर दिया। गाइस मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई गाइस, उसने कहा था कि रात के टाइम आना, तो उससे पहले गाइस हमारे पास यार वेपन भी नहीं, और गाइस अपने वेपन जो है वो है अपने ऑफिस पे। तो यार ऑफिस तो बहुत दूर है इधर से, तो हमें यहाँ पे एक कहीं ढूंढना पड़ेगा कोई वेपन स्टोर। तो जितना कि मेरे को लगता है कि यहीं कहीं पे होने वाला है, तो यहाँ जैसे चेक करते हैं, मेरे को याद भी नहीं यार लॉस एंजेलिस में रहता भी नहीं ज़्यादा, तो ढूंढते यहीं कहीं पे होगा नीचे वाली साइड पे। एंड अगर बाई चांस हम इस मिशन को गाइस सक्सेसफुल कर लेते हैं, तो अपना तो भाई पैसे ही पैसा जाएगा। उस पैसे का हम लोग क्या यूज़ करें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। ओके गाड़ी निकल चुकी है बहुत आसानी से। ओ भाई ये एमुनेशन, ओके ये रही एमुनेशन, नाइस। यहाँ पे अपने गाड़ी को लगाते हैं, पार्क करते हैं। अरे भाई सीट बेल्ट तो खोल ले। ओके स्नाइपर चाहिए यार, स्नाइपर हैवी वाली लेंगे 9000 की भाई, कितना महंगा यार ये मेटल फिनिश। चलो ये ले लेते हैं फिर, ये सही रहेगा भाई, क्या तगड़ा है यार।
ओके गाइस, तो यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और मेरे ख्याल से अभी हम लोग जा सकते हैं। ओके तो यहाँ से, ओके ओके गाइस, यहाँ से जा सकते हैं हम लोग। यार हमें कहीं और से जाना पड़ेगा। ओके ओ वहाँ पे हो रहा है गाइस, वहाँ पे हो रहा है कॉन्सर्ट। मैं यहाँ से अगर नज़र डालता हूँ ज़रा, एक सेकेंड गाड़ी से उतर के। वैसे यहाँ पे तो नहीं देख पाएंगे वो अभी, एक सेकेंड वो मारते हैं ज़रा। ओके गाइस, तो वहाँ पे अपना सेलिब्रिटी आया हुआ। और गाइस यार यहाँ पे तो इतने सारे लोग आए यार इसको देखने के लिए। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी भी है पीछे। अरे ये बंदा क्या रिकॉर्डिंग, ओके गाइस कॉफ़ी पी रहे आराम से। एंड ये क्या कर रहे हैं बंदे यहाँ पे, ओ भाई नाच रहे हैं। चलो कोई नहीं, अभी गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी यार। गाड़ी पता नहीं किस साइड होगी। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है यार, ये सही है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये रॉयल्स रॉयस भी खड़ी कर रखी है भाई बंदों ने यहाँ पे। गाइस बंदे सुपर गाड़ी लेके आए हैं, सुपर कार, नाइस। ओके यहाँ पे अंदर कुछ लाइट चल रही है। एंड गाइस ओके वही है गाड़ी। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी है बहुत, तो हमें क्या करना होगा, इनको उड़ाना पड़ेगा। तो जल्दी से अभी यहाँ पे, यहाँ से पहले इसको उड़ाता हूँ। ये हो गया ओके, नल्ले भाई को तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे मैंने उड़ा दिया इनको। ओके गाइस यार यहाँ पे तो ऊपर है। ओके गाइस ये भी गया और कोई नहीं है। ओके गाइस हम लोग सीख, चलिए से गाड़ी को लेकर निकलते हैं। यहाँ से पुलिस पड़ चुकी है हमारे पीछे, पुलिस को पता नहीं हम कहाँ पे हो। गाइस यार गाड़ी तो बहुत तगड़ी है, हाय हाय गाइस क्या तगड़ी गाड़ी है, कलर बहुत प्यारी इस गाड़ी का। सामने है पुलिस। ओके गाइस पुलिस आ गई यहाँ से। ओके भागना पड़ेगा यहाँ जल्दी से। ओह शिट शिट गोलियाँ पड़ रही हैं, गोलियाँ पड़ रही हैं। वो भाई गाड़ी का हॉर्न तो बहुत खतरनाक है, बहुत तेज जान होगा यहाँ। ओ नहीं 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 नहीं, इसने कहा था गाड़ी को बचा के लाना, टूट नहीं चाहिए गाड़ी। एंड यहाँ पे गाइस हमारे पीछे 5 स्टार पड़ चुके हैं पुलिस के। वैसे यार गाइस मुझे ये गाड़ी चाहिए यार, बहुत तगड़ी। ओ शिट 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 शिट, नहीं 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 नहीं। ओके यहाँ से आगे से राइट। ओ शिट 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 शिट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नहीं नहीं नहीं, मत ठोको गाड़ी को, गाड़ी का नुकसान नहीं करवाना है भाई अपने को। वो गाइस आगे से बम्पर जा चुके हैं, बम्पर से उठ जा चुके हैं गाड़ी का। शाम तक चलते हैं। मैं सोचा गाइस हमें हाईवे मिल जाए तो हाईवे से निकलेंगे। हाईवे नीचे नीचे नीचे, हाईवे में रास्ता कहाँ से। ओके गाइस यहाँ से रास्ता। एंड यहाँ से नहीं है रास्ता गाइस, यहाँ से नहीं रास्ता। और सीट हम फंस चुके हैं यहाँ पे। लेफ्ट 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 लेफ्ट। ओके नीचे एक रेल ट्रैक है गाइस, यहाँ पे छुप सकते हैं हम लोग। ओह शिट यार यहाँ पे भी पुलिस आ चुकी है। पुलिस वालों का कोई जगह नहीं छोड़ी यार सेफ हम लिए, हमें हमारे लिए। ओके यहाँ से गाइस लेफ्ट लेते हैं, जल्दी से निकलते हैं। ओके वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके ए शिट, कई लाइट गई सामने की एक। ओ नहीं 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 नहीं, रियल ट्रैक पकड़ते, रियल ट्रैक रियल ट्रैक। ओके सो गाइस यार यहाँ मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता ले आया हूँ एंड अपने घर पे। और यहाँ पे गाइस हमें गाड़ी छुपाने को गैर में डालते हैं गाड़ी को, यहाँ पे ढूंढ पाएगी पुलिस। और गाइस उसको हम कल रिटर्न कर देंगे गाड़ी ये। ओके यहाँ पे सेफ है। और गाइस यार यहाँ पे एक बंदा है अपना, उसका कुछ नाम तो पता नहीं क्या है उस बंदे का, लेकिन ये सामने गाइस उसका गैरेज रहा। एक मिनट रुक जा, ठीक है सर, ये है इसका मतलब, यहाँ पे वो गाड़ी रिपेयर कर दे। सो मैं कहूँगा कि यहाँ पे साइड जैसे मैं अंदर जैसे गाड़ी को रिपेयर कर दे। सो फाइनली गाइस यार यहाँ पे करते वीडियो खत्म। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर गाइस पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो फाइनली गाइस यहाँ पे करते वीडियो खत्म और मिलते हैं वीडियो में। गुड बाय।